आईवी टीवी के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत। देखिए अभी भी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार से। देखिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने काफ़ी जो है ये खबर चौंकाने वाला है, क्योंकि लगातार ये चीज़ें सामने आ रही थी। पुलिस मुख्यालय इसको लेकर लगातार सजग भी थे और ऐसे में नीतीश कुमार की बेहद पैनी नज़र थी इन तमाम मामलों पर। देखिए दो ऐसे मामले हुए थे बिहार में। पहला जो दयाशंकर जो है एसपी थे पूर्णिया के, उनके ऊपर एसयूवी की रेड हुई थी और काफ़ी संख्या में उनके आवास से कैश बरामद हुए थे, कई अन्य चीज़ें भी बरामद हुई थी, लेकिन उसके बाद भी वो पद पर काबिज थे। पिछले दिनों जो जीएस गंगवार हैं एडीजी मुख्यालय, उनके द्वारा पीसी किया गया था, जब सवाल उनसे किया गया था जो आखिर दयाशंकर को पद से क्यों नहीं हटाया गया, तो उन्होंने कहा था जांच जा रही है, सही समय पर चीज़ें हो जाएंगी। तो आज जो है दयाशंकर जो पूर्णिया के एसपी थे उन्हें पद से हटाया गया। साथ ही दूसरी खबर हम आपको बता दें, दूसरी खबर है अभिषेक अग्रवाल नाम का व्यक्ति आदित्य कुमार को बचाने के लिए, जो आदित्य कुमार आईपीएस हैं उन्हें बचाने के लिए पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का डीपी लगाकर डीजीपी को फोन करके उनकी पैरवी कर रहे थे। जब ये मामले का पोल खुल गया तो उसके बाद अभिषेक अग्रवाल के साथ साथ उनके चार दोस्तों की जो है वो भी गिरफ्तारी हो गई, लेकिन आदित्य कुमार को लेकर के सवाल जो है लगातार उठ रहे थे, सवाल उनके द्वारा पूछा जा रहा था जो आखिर आईपीएस के मिली भगत से ऐसे कौन व्यक्ति हैं जो पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की डीपी लगाकर डीजीपी को कॉल करते हैं। इन मामले को लेकर जो है पुलिस महकमा पर लगातार सवाल निशान उठ रहे थे। तो आदित्य कुमार और दयाशंकर दोनों को जो है पद से जो है हाथ धोना पड़ा, पद से हटाया गया है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से जो है निर्देश जारी हुआ, जिस निर्देश में यह कहा गया जो दोनों व्यक्ति आदित्य कुमार जो अभिषेक अग्रवाल नाम के व्यक्ति के द्वारा जो है डीजीपी को कॉल किया गया था हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का डीपी लगाकर जब यह मामला प्रकाश में आया तो तमाम जगह पर जो है सनसनी फैल गई थी। और उसके बाद दयाशंकर जो पूर्णिया के एसपी थे उनके ऊपर जिस प्रकार से कार्रवाई हुई उसके बाद पुलिस महकमा में हड़कंप से मच गई थी, जो इतने सारे पैसे जो है कैसे उनके यहाँ से बरामद हो रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के बाद पुलिस महकमा में जो है किरकिरी वो जो है लगातार देखने को मिल रहा था, लेकिन इसके बाद आज जो खबर निकल के सामने आई है वो खबर हम आपको बताने के लिए बैठे हैं। खबर है आदित्य कुमार और पूर्णिया के पूर्व एसपी दयाशंकर दोनों को जो है पद से हटा दिया गया है। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर जो थी वो हम आपको बताने बैठे थे। ऐसी अन्य खबर देखने के लिए आप देखते रहें आईवी टीवी। आशीर्वाद इजी कॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।